सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी ब्रांड न्यू सीरीज में। भाई लोग, इस सीरीज का नाम है नूब टू प्रो और ये है पार्ट नंबर 7, जिसके अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि व्हाट इज क्रॉसहेयर प्लेसमेंट, कि क्रॉसहेयर प्लेसमेंट क्या होती है और कैसे हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई लोग, शुरुआत करने से पहले मैं कमेंट हाईलाइट पढ़ लेता हूँ जो है जतिन भैया की तरफ से। जतिन भैया बोलते हैं, भाई एक नंबर वीडियो, मैं भी यही गलती करता था बट अब जोड़ बन गया। अरे जतिन भैया, आप पहले भी जोड़ थे और हमेशा जोड़ रहोगे, तो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। एंड भाई लोग, अगर आप भी चाहते हैं कमेंट हाईलाइट में पार्टिसिपेट करना तो जाके कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, और कुछ टिप्स देना चाहते हो टिप बता देना, और जाके अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर करो और बोलो जाके आपकी कमेंट लाइक करे। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई लोग, पॉइंट नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इज क्रॉसहेयर, क्रॉसहेयर हम कहते किसे हैं। इसके बारे में मैंने अच्छे से प्रॉपर आपको बताया और डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्रॉसहेयर हम कहते किसे हैं। जो ये एरो की होती है इसको हम क्रॉसहेयर कहते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी प्लेसमेंट क्या होती है, क्या आपको इसकी पोजीशन रखनी चाहिए और कैसे इसकी एक्यूरेसी अपन को बढ़ानी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको इसकी पोजीशन क्या रखनी है। तो वो सब तो आपको पता ही होगा कि जितना एनिमी के आप हेड पे एम रखेंगे उतनी जल्दी वो टेक डाउन होगा। तो आपको इसकी प्लेसमेंट कैसे ठीक करनी है, उसके लिए मैं आपको कुछ ड्रिल्स बताने वाला हूं। तो ड्रिल नंबर फर्स्ट है कि आपको ट्रेसिंग आनी चाहिए। ट्रेसिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपका एनिमी आपको मूवमेंट करता है तो उसको आपको ट्रेस करना आना चाहिए। उसके लिए आपको मैं एक ड्रिल बताता हूं। जो ये रनिंग पिलर्स होते हैं, जो ये रन करते रहते हैं, उसको ट्रेस करने की कोशिश करें आप। कैसे? आप अपना क्रॉसहेयर उसके हेड पे एम रखें, देन उसके बाद आप ट्रेस करें कि ये लेफ्ट जा रहा है और राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है। आप जितना स्मूथ शो करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि आपकी ट्रेसिंग इससे बहुत अच्छी होने वाली है। तो ड्रिल नंबर सेकंड पे चलते हैं। ड्रिल नंबर सेकंड ये है कि आपको भी मूवमेंट करते करते ट्रेसिंग करनी है। यानी कि सामने वाला बंदा अपन मूवमेंट कर रहा है तो अपन उसको ट्रेस कर रहे हैं, बट अपन को भी खुद को भी मूवमेंट करनी है। अगर आप एक जगह खड़े रह गए ना तो वो आराम से अपन को मार लेगा, चाहे अपन कितनी अच्छी अपनी ट्रेसिंग है। तो सेकंड ड्रिल यही है कि आपको मूवमेंट करना है लेफ्ट एंड राइट, देन उसके बाद वही सेम प्रोसेस जो मैंने आपको ड्रिल नंबर फर्स्ट में बताया था। तो ड्रिल नंबर थर्ड पे चलते हैं। ड्रिल नंबर थर्ड ये है कि आपको एम लॉक करना आना चाहिए। एम लॉक क्या होता है मैं बताता हूं। कि जैसे कोई हाउस है, वहां से एक बंदा पीक ले रहा है लेफ्ट विंडो से, देन उसके बाद राइट विंडो से। आपने लेफ्ट वाले को टेक डाउन करा, देन उसके बाद आपको सेकंड वाले यानी राइट वाले पे एम लॉक करना है। तो उसके लिए मैं आपको ड्रिल बताता हूं कि ये जो पिलर दिख रहे हैं आपको लेफ्ट एंड राइट वाले, इनके हेड पे एम रखना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पहले लेफ्ट वाले पे एम करना है, देन उसके बाद राइट वाले पे एम करना है। जितना आप तेज इसको कर पाएंगे उतने आपका एम लॉक बेहतर होगा और आपके रिफ्लेक्स तेज होंगे। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पे ले चलता हूं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको यहां पर आना है, देन उसके बाद यहां पर एक स्टिकर लगाना है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर ली ना तो आपका क्लोज रेंज बेहतर, बहुत बेहतर हो जाएगा। तो यहां पर आपको करना है, सबसे पहले आके स्टिकर लगाना है, देन उसके बाद आपको यहां पर हिप फायर की प्रैक्टिस करनी है। हिप फायर क्या होता है मैंने आपको बताया था पहले ही, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आप इसके हेड पे एम रख सकते हैं उतना उसको हेड पे एम रखे, देन उसके बाद मूवमेंट करते करते करें यही प्रोसेस, देन आपकी एक्यूरेसी बढ़ाए। एक्यूरेसी मैंने आपको बताया था क्रॉसहेयर छोटा करने की कोशिश करें, वो कैसे? जितना आप क्राउच करेंगे ना उतना आपकी क्रॉसहेयर एक्यूरेसी बढ़ेगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन आपको उसको ट्रेस करना है। कैसे? लेफ्ट राइट मूवमेंट करें, देन उसके बाद हेड पे एम रखने की कोशिश करें, आपका क्रॉसहेयर उसके हेड पे रखने की कोशिश करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मूवमेंट आप बेहतर और कैसे कर सकते हैं। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और सॉरी दोस्तों अगर वीडियो लेट आई हो उसके लिए, क्योंकि बिकॉज वापस से तुम्हारा भाई कॉनकर लग चुका है, C1S2 कॉनकर फिर से कर लिया। और अगर आप भी कॉनकर जाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो जाके जरूर देख लेना, आप आराम से इजी पॉइंट अर्न कर सकते हो, माइनस की तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट हाईलाइट में मैं आपका कमेंट चाहता हूं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।